हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कोथमीर चिवड़ा। जी हाँ, आप सुनकर हैरान रह जाएगी कि कोथमीर चिवड़ा कैसे बनाएंगे हम। कोथमीर चिवड़ा इतना टेस्टी बनेगा ना, आप एक बार सीख लेंगे आप बार बार जरूर बनाएंगे। कोथमीर चिवड़ा आसानी से बन जाता है घर पे और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी जानी है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सीज़न में हमारी कोथमीर बहुत ही अच्छी मिलती है, एकदम ग्रीन और एकदम फ्रेश। हमें यहाँ पर कोथमीर लेनी है जो फ्रेश वाली होती है। आप उसको उसके पत्ते अलग कर लेने हैं और उसके डाड़ियाँ कट कर लेनी है, जिससे कि अच्छा सा हमें कोथमीर का फ्लेवर मिले। आप देख सकते हैं इसकी डाली हमें नहीं डालनी है, सिर्फ पत्ते ही डालने हैं। और उसके बाद हमें करी लीव्स भी लेनी है फ्रेश वाली, उसमें भी हमें पत्ते निकाल लेने हैं और डाली अलग कर लेनी है। हमें सबसे पहले चोखा के पवे लेना है। एक बाउल मैंने ली है, उसको एक कढ़ाई में डालकर अच्छे से सेक लेना है, जिससे कि उसका मॉइस्चर हो तो निकल जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हमें ऐसे ही मीडियम फ्लेम में सेक लेना है, जिससे कि एकदम क्रंची हो जाए। आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी क्रंची होना बाकी है, फिर से हम सेकेंगे। हमारे क्रंची हो गए हैं पोहे, हम एक पीस में निकाल लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में हमें 2 टीस्पून तेल डालना है और इसमें हमें मूंगफली के दाने लिए हैं, उसको अच्छे से सेक कर उसके फोतरे निकाल लिए हैं और इसको हमें तेल में डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई होने लगे हैं, आप देख सकते हैं। हमें लो फ्लेम में ये सब कुछ करना है। अच्छे से फ्राई हो जाए इसके बाद हमने यहाँ पे जो कोथमीर और करी लीव्स का पाउडर बनाया है वो कैसे बनाना है वे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, उसके लिए बने रहे। उसके बाद हमने जो पवा को, चोखा के पवा को सेक के रखा था, उसको इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि कोथमीर का फ्लेवर पवा में मिल जाए। हमने अच्छे से चारों ओर से मिक्स कर लेना है। ये एकदम आसानी से बन जाता है, एक बार हम बना ले तो हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं और आप ताज़ा ताज़ा चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना ग्रीन कलर आ गया है, ऊपर से जो पाउडर हमारा बचा है वो ऊपर से हम डाल देंगे। ये इंस्टेंटली एकदम आसानी से डिलीशियस चिवड़ा बनकर रेडी होता है। अच्छे से हम सारा कुछ मिक्स कर लेंगे, एकदम ग्रीन हो गया है हमारा चिवड़ा। उसके बाद हमें नमक डालना है। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है। हमें शुगर जो पाउडर किया हुआ है वो डालेंगे, यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मीठा थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। उसके बाद हमने यहाँ पे तीखा का पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून, और अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। हमने नमक डाला है इसलिए चाट मसाला हमने थोड़ा कम डालना है। अच्छे से सारा मसाला मिक्स कर लेंगे। हमारा चिवड़ा एकदम रेडी है। अब हम मैं बताऊंगी कि पाउडर कैसे बनाना है कोथमीर का। हमने कोथमीर के पत्ते और करी लीव्स निकाल लिए हैं और उसके बाद हमें उसे ड्राई करने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे पंखे के नीचे ड्राई करने के लिए रख दिया था, एक दिन लगेगा और अच्छा सा क्रंची ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। आपके पास ओवन हो तो उसमें भी आप डालकर ड्राई कर सकते हैं। एकदम फाइन पाउडर रेडी हो गया है, उसे डालकर अच्छे से हमें कोथमीर का चिवड़ा रेडी करना है।
ये देखो फ्रेंड्स, हमारा कोथमीर चिवड़ा एकदम रेडी है, एकदम ग्रीन चिवड़ा। बच्चे को तो बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।